चिंता हो न भय हो, महादेव की जय हो। एस्टिमेट 9 किलोमीटर समय और ज़्यादा यात्रा करनी है उस पहाड़ तक पहुँचने के लिए। वहाँ से व्यू बहुत ही मनोरम होगा। बहुत दूर है अभी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत दूर है, स्टीम पीते जाओ, एनर्जी बढ़ाते जाओ। दर्शन होने के बाद रिलैक्स। बहुत केदारनाथ उत्तराखंड में बसा एक स्वर्गीय पर्यटन स्थल है। यहाँ विश्वास और आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत ही गहराइयों में समाई हुई हैं। ये वो विशेष स्थान है जहाँ माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शानदार पहाड़ी दृश्यों और नदी के मधुर स्पंदन के बीच बसा हुआ है उत्तराखंड का ये गर्व केदारनाथ। यहाँ धर्म, भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक मिश्रण देखने को मिलता है। केदारनाथ का ये 16 किलोमीटर लंबा खूबसूरत सफर गौरीकुंड से शुरू होता है। केदारनाथ जाने के लिए यातायात के दोनों मीडिया अवेलेबल हैं। आप हवाई जहाज से जा सकते हैं और ज़मीन पे आप घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। आप पिट्ठू के थ्रू भी जा सकते हैं और आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। I started my journey from Delhi, my self-drive via Haridwar and then Rishikesh and then I took the pathway from Devprayag और वहाँ से रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग पहुँचा मैं केदारनाथ के दर्शन के लिए। So this is Devprayag in the way of our Kedarnath Yatra. Now we are on the way to reach the Sonprayag area. यहाँ से 11 किलोमीटर है, उसके बाद हम ट्रेवल करेंगे अपने केदारनाथ के रास्ते के लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग के उस एरिया में जहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन स्लिप को स्कैन करके हमें आगे बढ़ने के लिए गो हेड मिलेगा और हम शुरू कर पाएंगे अपनी यात्रा बाबा केदारनाथ धाम के लिए।
10 किलोमीटर और जाना है। भाई थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव, धूप छांव, गर्मी, बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाया और इन सारी बातों के बीच समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और मैं परेशान था कि क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रही थी और मंदिर तक पहुंचने के लिए काफ़ी लेट हो रहा था मैं कि बर्फबारी ने तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस पे लाकर खड़ा कर दिया, जो काफ़ी चैलेंजिंग भी था और ट्रैकिंग के लिए मुश्किल भी। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पर। अब शाम के 5 बजने वाले हैं और हम ऑलमोस्ट चढ़ाई काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 7 किलोमीटर का सफ़र बाकी है और इस रात में यहाँ पे स्टे करने के लिए, यहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए लोगों ने अपने कैंप अभी से लगाने शुरू कर दिए, आप देख सकते हैं मेरे डाउन साइड में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की यात्रा तय करते हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर तक। कुछ समय की यात्रा के बाद ही हमें मौसम की मेहरबानी के संकेत दोबारा से मिलने शुरू हो गए और हिमालय की इस जादुई घाटी का बदलता मौसम एक बार फिर से हमारी आत्मा को स्पर्श कर दिया और मेरे और महादेव के बीच में एक बार फिर से बर्फ आ गई, जिसे पार करके मुझे आगे तक जाना था। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई कैंप या टेंट वगैरह कुछ भी रिजर्व नहीं किया था हमने रात में स्टे के लिए। तो अब ये नजर आ रहा है बारिश के बाद का और बहुत ही सुहावना मौसम हो चुका था, बारिश खत्म हुई है, अभी थोड़े ओले पड़े हैं और ठंडा हो गया है मौसम। आसमान में बादल बहुत शानदार, अभी भी कुछ काले बादल हैं, बारिश हो सकती है दोबारा से। ये एरिया डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर केदारनाथ ट्रैवलर्स। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं आपका मन रखने के लिए 4.5 बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी में है 5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या है वहाँ। यहाँ पर एक घोड़ा मालिक से पूछ के मैंने ये शॉर्टकट रास्ता चुना है जो काफ़ी समय बचा लेगा मेरा, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन बिकॉज़ ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है और जोखिम भरा है, सिर्फ पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है और स्लिप होने का काफ़ी यहाँ पे खतरा होता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ऐसे रास्ते को ना चुनें। ये चढ़ाई सबसे दुर्गम चढ़ाई है केदारनाथ के लिए, हालांकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, लेकिन केदारनाथ घाटी का ये रास्ता इतनी गहराई में है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है, जिस कारण ये एरिया अंधेरे में है और ऐसा लगता है कि अभी रात हो गई है और कुछ भी दिखाई नहीं देता इस रास्ते के। सो इफ़ यू हैव टाइम आई वुड सजेस्ट टू प्लीज़ टेक द लॉन्गर वे, सेफर वे, बट अगर आपको जल्दी पहुँचना है एंड अप यू हैव अ पेशेंस to ride the way, the stones carefully, then you can move towards this way out. And yes, we finally made it within the time. और finally सर्दी से बचने और आराम करके आगे बढ़ने के लिए एक जगह मिल गई और यहाँ पर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये तक के अंदर कैंप की सुविधा मिल सकती है।
आरती वहाँ पे मंदिर में सुबह 6 बजे होती है, तो इट विल बी बेटर इफ़ यू कैन टेक अ कैम्प नियर लोकेशन लाइक इस तरह की जगह पे कहीं पे मंदिर के आसपास, ताकि आप सुबह आरती में जल्दी पहुँच सकें और महादेव को दर्शन कर सकें। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स ये मेरा कैंप है, मैं उसी शॉर्टकट रास्ते से चलते हुए अभी एग्जैक्टली मुझे 35 मिनट लगा है यहाँ पर आने में, और यहाँ से मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर ही है। एंड आई स्टार्ट माई जर्नी इन मॉर्निंग 4 बजे केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। और दोस्तों ये सुबह के 3:15 बजे का दृश्य है केदारनाथ मंदिर के रास्ते की तरफ। केदारनाथ धाम की दूरी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। घोड़ा मालिक, पैदल, सभी लोग जितने भी हैं अपने अपने रास्ते पे निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। और लीजिए हम पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम के द्वार के निकट। तो हमने टोकन ले लिया और मैं जा रहा हूँ प्रांगण मंदिर के अंदर। दोस्तों ये वो प्रांगण है, वो बैकुंठ धाम है केदारनाथ का, जिसकी पवित्रता, जिसकी महिमा कण कण में व्याप्त है, हर एक हिंदुस्तानी के, हर एक व्यक्ति के मन में बसते हैं स्वामी केदारनाथ। हर एक यात्री को, वो पैदल आए, वो घोड़े पे चढ़ के आए, वो किसी भी तरीके से आए, उसको मोहित और प्रभावित करने वाले महादेव यहाँ विराजमान हैं। तो अब बस हमें इंतज़ार है इस कतार के आगे बढ़ने का, और दिलों में बसे हैं देवों के देव महादेव। इस दर्शन से मन अभिभूत सा हो जाता है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम उस प्रांगण तक पहुंच चुके हैं जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था, और ये नज़ारा इतना शानदार है कि देखे जी नहीं भरता। अहो महादेव। हमें मौका मिल गया बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन का, और मैं अभी दर्शन करके आया हूँ प्रसाद वगैरह चढ़ा करके यहाँ से। तो दोस्तों ये कुछ पन्ने थे मेरी केदारनाथ डायरी से, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स डेफिनेटली मिलते रहें। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ भानु फिल्म्स में। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।